હવે જોઈશું કોરોનાની ટોપ 10 ખબરો। गुजरात ना 36 शहरों में दिवसे बंद रात्रि कर्फ्यू अमल नो आज अंतिम दिवस। कोरोना ना कहर ने ध्यान में राखी सरकारी राज्य ना 36 शहरों में खास नियंत्रणों मुक्या। आज आ नियंत्रण ना अमल नो छेलो दिवस छे। हाल राज्य में कोरोना ना केस ओछा थता रूपाणी सरकार नियंत्रण में घटाड़ो करी केटलीक छूटछाट आपी शके। आज सांज सुधी में आ अंगेनी जाहेरात करवामां आवशे। कोरोनानी बीजी लहेरनो कहर यथावत छे त्यां सरकारी पेनले त्रीजी लहेरनी आगाही करी छे। सरकारी पेनले कह्युं के जुलाई सुधी बीजी लहेर रोकाई जशे, परंतु तेना छती 8 महीनामां त्रीजी लहेर आवशे। आ अनुमान भारत सरकारना विज्ञान अने टेक्नोलॉजी विभागनी 3 वैज्ञानिकोनी पेनले कर्युं। साथे तेमणे सरकारने अलर्ट कर्या। सूत्रा मॉडेलनो उपयोग करी वैज्ञानिकोए आ भविष्यवाणी करी। मेना अंतमां रोजना लगभग 1.5 लाख केस आवशे अने जूनना अंत सुधीमां रोजना 20,000 मामले सामे आवशे। गांधीनगर में टूंक समय में कार्यरत थशे 900 बेडनी हॉस्पिटल। महात्मा मंदिर में हॉस्पिटल की कामगिरी पूर्णता ने आरे। महात्मा मंदिर में तैयार थई रही है 900 बेडनी हॉस्पिटल। महात्मा मंदिर में ऑक्सिजन ट्रेकर लावामां आव्या। जानकारी मुजब तेमा आईसीयू और ऑक्सिजन बेडनी व्यवस्था पूर्ण थई गई है। आगामी दिवस में कोरोना दर्दियोंनी सारवार माटे महात्मा मंदिर की अंदर 900 बेडनी हॉस्पिटल कार्यरत करवामां आवशे। आ हॉस्पिटल विधिवत प्रारंभ थया बाद दर्दियों ने मोटी राहत मळशे। गुजरात में रसीकरण फरी शुरू थवानी साथे वधु एक सारा समाचार। टूंक समय में गुजरात में रसीनु उत्पादन शुरू थशे। कोरोना की रसी कोवेक्सिन उत्पादन शुरू करने की दिशा में सरकार आगल वधी रही है। गुजरात सरकार की संस्था गुजरात बायोटेक रिसर्च सेंटर आता सप्ताहे भारत बायोटेक साथ करार करे तेवी शक्यता, जेना अंतर्गत आ उत्पादन शुरू करवामां आवशे। अमदावादनी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च पर काम करती कंपनीओ रसीनु उत्पादन करी शके छे। आ रसीनु उत्पादन शुरू थता 4 થી 6 महीनानो समय लागी शके। समग्र गुजरात में आज थी फरी वैक्सीनेशन नो प्रारंभ थयो। गुजरात में रोजना 50,000 लोगों ने अपाशे रसी। रसीनी नवी गाइडलाइन अने वावाजोड़ा ने कारणे रसीकरण करायु स्थगित। 3 दिवसना विराम बाद समग्र राज्य में फरी वैक्सीनेशन की शुरुआत। त्यारे 18 थी वधु वयना लोगों रसीकरण की शुरुआत रजिस्ट्रेशन प्रमाणे कराशे। दरेक केन्द्र पर रसीना 100 डोज उपलब्ध कराया। राजकोट में आज थी रसीकरण की कामगिरी नो प्रारंभ थयो छे। 18 થી 45 वर्ष लोगों माटे 50 केन्द्रों पर रसीकरण की कामगिरी शुरू करवामां आवी। 45 थी वधु उमरना लोगों माटे 25 केन्द्रों पर रसीकरण वावाजोड़ा ना लीधे बंद रखाई हती रसीकरण की कामगिरी। आज थी राजकोट में फरी राबेता मुजब रसीकरण नो प्रारंभ। 3 दिवस बाद वडोदरा में फरी रसीकरण प्रारंभ थयो छे। आज थी 46 सेंटरों पर रसीकरण की कामगिरी प्रारंभ करवामां आव्यो छे। 18 થી 44 वर्ष 7,000 लोगों ने अपाशे रसी। वडोदरा कोर्पोरेशन पास हाल 5 दिवस चाले तेटलो रसीनो जत्थो। वावाजोड़ा लीधे 3 दिवस रसीकरण बंद रखायो। गांधीनगर में 4 दिवस विराम बाद रसीकरण प्रारंभ। पाटनगर ना नागरिकों रसी लेवा 18 થી 44 वर्ष नागरिकों माटे 10 सेंटर शुरू कराया छे। 45 वर्ष थी वधु वयना नागरिकों माटे 5 सेंटर शुरू कराया। कोरोना सेवा यज्ञ में राज्यपाल हस्ते कॉन्सन्ट्रेटर की सहाय आपवामां आवी। राज्यपाल आचार्य देवव्रते आप्या 20 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर। दर्दीनी सारवार माटे आरोग्य विभाग ने आप्या कॉन्सन्ट्रेटर। खानगी कंपनीए आ ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर लीधा। आरोग्य विभाग ने 20 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर की सहाय करी। अमदावाद सूरत राजकोट गांधीनगर और वडोदरा में ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर अपाशे। 20 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आरोग्य विभाग ने मळता दर्दियों ने वधु सारी सारवार मळी शके छे। મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીના ડિરેક્ટર માનસી ચૌધરીનું નિધન। મ્યુક્રોમાઇક્રોસિસને કારણે નિધન। અમદાવાદ સિવિલમાં લઈ રહ્યા હતા સારવાર, કોરોના બાદ થયો મ્યુક્રોમાઇક્રોસિસ। 21 દિવસ સુધી ચાલી હતી કોરોનાની સારવાર, છેલ્લા 10 દિવસથી ચાલતી હતી મ્યુક્રોમાઇક્રોસિસની સારવાર। બનાસકાંઠામાં અંધશ્રદ્ધાથી મૃત્યુનો વાયરલ વિડિયો થયો। ભુવાને બોલાવી કોરોનાના દર્દીની સારવાર કરાવી। ભુવાએ વિધિ કરી બધું સારું થઈ જશે તેમ કહ્યું। વિધિ બાદ ઓક્સિજન ઘટતા દર્દીનું મૃત્યુ। ભુવાનો વિધિ કરતો વિડિયો વાયરલ।